हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज हम बताने वाला हूँ सेमेस्टर सीरीज डीएससी 4 ईयर बीबीयू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जिसका डीएससी 4 ए में है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर, ठीक है ना। यह चीज़ आप लोग को एडमिट कार्ड में देख सकते हो लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये सेमेस्टर सीरीज डीएससी 4 ए वालों का है, जिसमें से आप सभी को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो अमेरिका विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। लग रहा होगा कि आप सभी को कि एक ही जैसा सारा क्वेश्चन है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसमें अमेरिका के विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। अगर आपको नहीं पता है कि विदेश नीति क्या होता है, तो आप लोगों को मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो अमेरिका विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का विवेचना करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अगर आपको विशेषताएं भी लिखने आ जाता है तो भी आप यही लिख दोगे, सिद्धांत में भी यही लिखोगे, ठीक है। अमेरिका विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की विवेचना करें। अमेरिका विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है, ठीक है, देखिए कैसे। सो पहला है भौगोलिक स्थिति। अब देखिए, आप सभी को पता है भौगोलिक मीन्स होता है कि वो चीज़ें कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना, और फैला हुआ है तो क्या विशेषता है उसका। तो अभी हम अमेरिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पहला तो उसका है भौगोलिक स्थिति, मतलब अमेरिका जो है ना वो उत्तर दक्षिण में कमजोर राष्ट्रों से घिरा हुआ है। मतलब जो अमेरिका जहाँ पे बसा हुआ है उसको अगर हम उत्तर और दक्षिण बात करें, ठीक है, तो वह कमजोर राष्ट्र से घिरा हुआ है। और अगर अमेरिका के पूरा बार पश्चिम में बात करें तो समुद्र से घिरा हुआ है। देखो, हम सारा पॉइंट लिख दिए हैं, थोड़ा बहुत कहीं पे अगर लिखने लायक था तो मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया, बट आपको डीपली में एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। पहला पॉइंट लिखना है भौगोलिक स्थिति, और आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना कि जो अमेरिका है वो उत्तर दक्षिण में कमजोर राष्ट्रों से घिरा हुआ है और पूरा पश्चिम में समुद्र से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से इसको बहुत ज़्यादा रक्षा हो जाता है ना, इससे ज़्यादा क्या हो जाता है, रक्षा मिल जाता है, इससे कोई चीज़ों का डर नहीं होता है, ठीक है। और भौगोलिक स्थिति में क्या होता है, इसका जो राष्ट्र फैला हुआ है ना, तो ये आप सभी को पता है कि उत्तर दक्षिण में कमजोर राष्ट्र गिरा हुआ है, पूर्व पश्चिम में समुद्र से गिरा हुआ है, तो जिसकी वजह से इसको एक रक्षा मिल जाता है, इसको ज़्यादा सैनिक का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अमेरिका का भौगोलिक स्थिति है वह विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। दूसरा, प्राकृतिक संपदा, जिसको बोलते हैं संसाधन, ठीक है, यहाँ पे साधन लिखा गया, ठीक है, संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन, तो आप सभी को पता है कि अमेरिका के पास तेल है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पास, यानी प्राकृतिक संपदा। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल चीज़ें, जो गॉड का दिया हुआ चीज़ें, जो भगवान का दिया हुआ चीज़ें। तो अमेरिका के पास क्या है ना, बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है। अभी इसके पास बहुत सारा प्राकृतिक संपदा है, तो क्या करेगा ये बहुत सारे गरीब देशों में अभी क्या करता है, तेल वगैरह का बंटवारा करता है, जितने भी इसके पास प्राकृतिक संपदा है गरीब देशों में बांटता है। तो जब गरीब देशों में बांटता है तो इसका क्या होता है, विदेश नीति पर बहुत ही बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है, विदेश नीति में इसका। और बहुत ही इसका योगदान भी रहता है दूसरे देशों पर, ये दूसरे देशों को मदद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसका विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सभी को मदद करेंगे तो सब इसका पक्ष में हो जाएंगे, सब इससे दोस्ती करने के लिए तैयार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत की विदेश नीति क्या होता है, दूसरे देशों से संबंध बनाना। तो प्राकृतिक के पास, अमेरिका के पास इतना ज़्यादा प्राकृतिक संपदा है कि इसे ऐसे ही सारे देश क्या करते हैं, इसको तुले हुए रहते हैं अपने माथे पर। तीसरा है सुरक्षात्मक शक्ति, ठीक है, सुरक्षात्मक शक्ति, जिसको सैनिक शक्ति भी बोलते हैं। इसके पास बहुत ही मजबूत सैनिक शक्ति भी है, हथियार भी है, इसके पास बड़े बड़े हथियार भी है, जिसकी वजह से एक इसके पास सैनिक हथियार है, और इसके पास मजबूत सैनिक सेना भी है, जिसकी वजह से इसको रक्षा हो जाता है और अन्य देशों से बचाव भी हो जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसके विदेश नीति में इसका जो सैनिक शक्ति होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अगर हम चौथा पॉइंट का बात करें तो मानवीय स्रोत है, यानी जिसका बात करते हैं जनसंख्या। इसके पास जो जनसंख्या, जितना भी जनसंख्या, सभी के पास गुणवत्ता है, और इसके पास बहुत ही अच्छा क्वालिटी का जनसंख्या होने की वजह से, इसके बहुत ज़्यादा अच्छा गुणवत्ता वाला जनसंख्या होने के वजह से भी भारत एक विशेष देश है, ठीक है। भारत क्या है, विशेष देश है, और इसका अपने आप में यहाँ के जनसंख्या के एक विशिष्ट गुण की वजह से बहुत ही पहचान भी है, और यह क्या करती है, विदेश नीति में बहुत ही बड़ा भूमिका अदा करती है। आपको एक्सप्लेन करते जाना, ठीक है ना। उसके बाद संवैधानिक बंधन, देखिए अमेरिका के संविधान में कुछ संवैधानिक बंधन भी दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, अमेरिका में आप सभी को पता है वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति ही होता है। तो राष्ट्रपति अगर कोई भी विदेश नीति अपनाता है, यानी कोई भी दूसरे देशों से कुछ भी निर्णय लेता है, बात करता है, कोई नियम कानून बनाता है, कोई संबंध, कोई भी चीज़ लेना हो, कोई भी निर्णय लेना हो दूसरे देशों के बारे में कि ये करना है वो करना है, तो वहाँ का राष्ट्रपति खुद नहीं ले सकता है, बल्कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है वह क्या करता कर सकता है, सीनेट से सहमति लेगा, अमेरिका के सीनेट। अब सीनेट क्या है अमेरिका का, जैसे देखो यह हमारा प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री क्या करेगा, जो चाहेगा वो दूसरे देशों से क्या कर सकता है, काम कर सकता है, बट अमेरिका में ऐसा नहीं है।
ठीक है, अमेरिका में सीनेट जो वहाँ का राष्ट्रपति है उसको सीनेट से अनुमति लेना पड़ेगा। अब सीनेट क्या है, जैसे हमारे देश में कांग्रेस पार्टी होती है ना, वैसे ही वहाँ का जो है ना ये अमेरिका का वहाँ का सीनेट है, ठीक है। तो वहाँ का राष्ट्रपति अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बल्कि वहाँ के कांग्रेस यानी कि वहाँ जिसको दूसरे भाषा में सीनेट बोलते हैं उससे सहमति लेना पड़ेगा कि ये कार्य हम करने जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में विदेश नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। चलिए अब यहाँ पे हो गया संवैधानिक बंधन। तो संविधान में लोगों को कुछ बंधन लगाया गया कि राष्ट्रपति जो चाहे वो नहीं कर सकता, वह सीनेट से सहमति ले सकता है, ठीक है। अब आता है छठा पे, दलगत सहयोग। दलगत का मतलब क्या होता है, दलों का एक होना। वहाँ पे बहुत सारा दल है, देखो हो सकता है कि वहाँ का राष्ट्रपति कोई दूसरा पार्टी से बना हो, और हो सकता है कि वहाँ का जो सीनेट है यानी कांग्रेस है उसमें कुछ दूसरा पार्टी का हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता कि जो सरकार बना होता है वो हमेशा एक ही पार्टी से बनता है, हो सकता है दूसरा दूसरा पार्टी का हो। तो जब दूसरा दूसरा पार्टी का हो ना, तो कोई भी चीज़ों को निर्णय लेने में थोड़ा सा परेशानी हो जाता है। लेकिन जब दोनों एक ही दल का हो यानी दलगत हो, दोनों एक ही दल का मतलब क्या, जब दलगत हो तो वहाँ पर दलगत में थोड़ा सहयोग मिल जाता है। जब दोनों एक ही पार्टी का होता है तो कोई भी निर्णय लेने में कठिनाइयाँ नहीं होती है। लेकिन वहीं अगर दलगत नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उन लोगों को कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। तो ये भी था। अब चलते हैं इसका विशेषता की ओर। इसका ये हो गया निर्धारक तत्वों का जो प्राकृतिक था, ठीक है, यानी कि इसका निर्धारक तत्व क्या है वो तो हमारा हो चुका कंप्लीट। अब इसका इसमें आपको विशेषता भी जोड़ देना है। आखिर ये जो अमेरिका विदेश नीति क्यों अपनाता है, आखिर क्यों इतना ये विदेश नीति अपना रहा है, किस लिए? तो राष्ट्रीय सुरक्षा, अपना देश की सुरक्षा के लिए, आगे एक्सप्लेन कर देना है। क्योंकि कोई भी देश अगर विदेश नीति इसलिए अपनाता ताकि उसका देश अच्छा रहे, राष्ट्रीय सुरक्षा बना रहे, क्योंकि देश का पहला कर्तव्य यही होना चाहिए कि अपना पहले देश का रक्षा करना। आपको आप लोग तो समझ गए होंगे, आप लोग इतना एक्सप्लेन कर दोगे। फिर लोकतंत्र की रक्षा, तनाव कम करना, विश्व का शांति करना, नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना, आतंकवाद का खत्म करना, उन्मूलन करना, उन्मूलन मतलब खत्म करना, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप एक्सप्लेन खुद से करोगे, मुझे को बताने का जरूरत नहीं, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं चाहता हूँ वीडियो कम मतलब छोटा सा बने ताकि मैं अगला भी वीडियो बहुत जल्द लाऊं, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। कमेंट आप लोगों को जरूर करना, अच्छा सा कमेंट करना है, ठीक है।